मार्च बीतते बीतते गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही कोयलांचल में आग बरसनी शुरू हो गई है और इसके साथ ही कोयलांचल के विभिन्न इलाकों में पानी की घोर किल्लत भी शुरू हो गई है। लोगों को पीने के पानी के लिए सब काम छोड़कर कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ रही है, तो पानी की किल्लत ऐसी है कि लोग घंटों अपने सारे काम को छोड़कर पैदल निकल पड़ते हैं पानी की तलाश में। अब आप समझ ही सकते हैं कि अभी मार्च का महीना खत्म ही नहीं हुआ और गर्मी की जो तपिश है वो लोगों को परेशान करनी शुरू कर दी है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही लोग अब पानी के लिए भटकने को मजबूर है। कोयलांचल के लोग किस कदर पीने के पानी के लिए पैदल चलते हैं अपने सारे काम को छोड़कर, इस रिपोर्ट में देखें। कोयलांचल में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी से पीने के पानी की घोर समस्या अभी से शुरू हो गई है। कई इलाकों में तो एक एक सप्ताह से पीने के पानी की सप्लाई नहीं हुई है। मजबूरन ग्रामीणों को अपना काम काज छोड़कर पानी के लिए दूर की यात्रा करनी पड़ रही है। सप्लाई वाला साधन के अलावा कोई पानी है ही ना, सप्लाई वाला नल है ही नहीं, आए को एक भी नल यहाँ नहीं है। ये जो है मेन लाइन से किसी तरह से कनेक्शन ही किया गया है, ये बस यही एक थी है। पूरा 10,000 से ऊपर का जनसंख्या है जो है, बहुत दिक्कत है। यहाँ नंबर लगाते हैं, अगर पानी नंबर लगा दिए तो डिप्टी छूट जाता है बाबा, और डिप्टी छूट गया तो खाए का नहीं मिलेगा। आए हम लोग आए इधर से केंदुआ 5 नंबर से हैं, बाकी उधर थोड़ा दूर पड़ता है, साइकिल से भरते हैं। खाना चाहिए, खाना खाली रुपया, मुख्यमंत्री को चाहे विधायक हो कोई भी हो, रुपया चाहिए। पानी कब से बंद है? 4-5 दिन से पानी बंद है यहाँ, पानी के लिए बहुत किल्लत है। झरिया में कहाँ कहाँ से पानी ला करके आदमी ला रहा पीने के लिए, देखिए यही पानी पीने के लिए ले जाएगा, खतरा पानी है। विधायक आदमी कहा जी चाहता है, यही कारण मैं जी चाहता है, चलो भाई विधायक काम करे। गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नगर निगम जमाडा, पीएचईडी, बीसीसीएल आदि विभागों के साथ उपायुक्त ने बैठक की और व्यापक निर्देश दिए। पानी की समस्या के लिए जिला प्रशासन हर 15 दिन पर इसकी समीक्षा करेगा। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे पानी की कम से कम बर्बादी करें। जहां पर अंडरग्राउंड से या एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई के स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे अगर लगता है कि पर्याप्त पानी नहीं दिया जा सकता है, कुछ एडिशनल रिसोर्स की आवश्यकता है, चाहे वो टैंकर के फॉर्म में हो या और कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स गर्मी के लिए करने हैं, तो कोल कंपनियों को भी कहा गया है कि विशेष रूप से अपने जो माइनिंग और कैचमेंट एरिया है वहाँ सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारी तो कर ली है, लेकिन इसका सही से अनुपालन कराने की जरूरत है ताकि लोगों को पानी के लिए कड़कड़ाती धूप में बाहर ना निकलना पड़े और कोई हिट वेव का शिकार न हो। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।